हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइएगा कैसे हो आप सब। आज डेट है 14th of Jan और आप सबको मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बताइएगा आप सबके क्या क्या प्लान्स हैं। और देखिए शर्बी कैसे बैठी हुई है। कपड़े मैंने आज चादर वगैरह सुबह ही लगा दी थी धोने के लिए, गगन की बेडशीट जो थी वहाँ से साफ किए। और दोपहर के बज रहे हैं 12:30 बजने वाले। काम मेरा ऑलमोस्ट आंटी आई थी जो कर गई थी, तो कोई हमारे घर पे आ गया था तो आज लंच के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। 12:30 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ आज चॉकलेट केक बनाने का, इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं था कि व्लॉग भी याद स्टार्ट कर। तो ये देखो घी गर्म होने के लिए रखा था और चॉकलेट केक के लिए मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल दिए हैं। और देखती हूँ चॉकलेट केक आज मुझसे बनता है कि नहीं बनता है। वैलेंटाइन डे पे स्पेशली चॉकलेट केक बनाने का सोच रही हूँ। तो चलिए, और लंच में बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊँगी पराठे बनाऊँगी या रोटी बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। पराठे दो तीन दिन से पराठे खा रहे हैं, आलू के पराठे खाए थे, फिर मूली के पराठे खाए, गोभी के पराठे खाए, तो अब मैं सोच रही हूँ आज रोटी बना लूँ या सिंपल पराठे बनाऊँगी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, कुछ भी हैवी नहीं बना रही। कल परसों 11 तारीख को मेरी का बर्थडे था, उसके बाद से कुछ ना कुछ ऐसा खाना ही हो रहा है, पनीर खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो आज सिंपल सादा आलू मटर की सब्ज़ी खाने का मन है, टमाटर वाली, तो वही बनाती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में केक बनने के बाद में। केक मैंने पूरा का पूरा मतलब वो बना के बैटर उसका उसके अंदर रख दिया। देखते हैं कि क्या बनता है, क्या बन के निकलता है। और मैंने अपना क्या होता है ऑन कर दिया है गीज़र, ताकि मैं नहाने के लिए मेरा पानी गर्म रहे। और आलू मटर बनाने के लिए आलू छील दिए मैंने। केक का मतलब जो टिन था वो बहुत बड़ा था और केक का बैटर थोड़ा सा था, लेकिन मैंने इसके साइड से जो बैटर हटाने वाला होता है वो हटा दिया है। और काफ़ी देखने में बहुत ही अच्छा बना है और फ्लफ़ी बना है, हाथ लगा के देखने से पता चल रहा है, पतला है लेकिन फ्लफ़ी है। और अभी ठंडा हो जाए ये, उसके बाद मैं इसको निकालती हूँ, अभी बहुत गर्म है और निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है इसको, तो जैसे ही निकलता है आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसके लिए क्रीम बनाई है, देखो इतनी स्मूथ क्रीम तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी हार्ड मतलब वो है कि ऊपर इसके डाल के केक और क्रीम खाने में मज़ा आने वाला है, इस तरीके की क्रीम बनी हुई है। और सब्ज़ी मेरी बन गई है, आटा लगा के जल्दी से रोटी बनानी है, तो उससे पहले मैं नहा के आऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा केक जो है बनके तैयार है, देखो ये रहा। लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। आज एक और खुशी का दिन है, वो खुशी का दिन है कि मेरे जो चैनल है उसको बनाए हुए पूरा एक साल हो गया है। 13 फेब को मैंने पहला व्लॉग डाला था और आज 14 फेब है। कल मुझे याद ही नहीं रहा व्लॉग स्टार्ट करने का भी, और मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आज सेलिब्रेट कर लेते हैं। और इसी खुशी में लीजिए केक, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी है, बहुत अच्छा बना, बस चिपक गया, और ऐसा भी कोई चिपका नहीं है, अच्छे से निकल रहा है। मैंने उसे 4 हिस्सों में काट दिया, क्योंकि मुझे इसको ब्राउनी, गरम गरम ब्राउनी की तरह और ऊपर क्रीम की तरह यूज़ करना था, इसलिए मैंने उसको ऐसे काट दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा बना।
फ्रेंड्स, तो मैं नहा लिया है, गगन ने खाना खा लिया है, खाना मैंने उसका हो चुका है पूरा। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपनी फ्रेंड को ये देने 1104 में। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर ऊपर, शेल्वी सो जाएगी। और अभी बज रहे हैं 3:00 और मैंने जो बनाया है केक विद आइसक्रीम वो मैं देके आती हूँ ऊपर रिपन को। और उसके थोड़े से बर्तन भी हैं, उसने परसों पनी तरसों जब उसके पार्टी थी उसने खाना भिजवाया था, तो वो वाले बर्तन ऊपर दे आती हूँ और साथ में दे आती हूँ केक। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और हाँ, आज एक गुड न्यूज़ है, आज शायद हमारी न्यू कार आ जाएगी जो गगन ने इतने दिन से मतलब प्रोसेसिंग चल रहा था इतना कुछ। तो मिलते हैं शाम को और दिखाती हूँ आपको अपनी न्यू कार। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं, मतलब रात के ही, शाम के नहीं, शाम के बज रहे हैं, 8:57 हो रहे हैं। और मैं देख रही हूँ, देखो अपना व्लॉग, खुद का ही व्लॉग देख रही हूँ, कल का ही व्लॉग देख रही हूँ। मतलब होता है ना कि अपने व्लॉग को देखने से पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। एक मिनट में से म्यूट कर दूँ। तो अपना ही व्लॉग देख के ये पता चल जाता है कि कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पर हम इसको सुधार सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें पता चलती है कि कहाँ से कर सकते हैं। और गगन अभी खेलने गए हैं बैडमिंटन। और आज हम गाड़ी लेने वाले थे, मतलब गाड़ी लाने वाले थे, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा डिले हो गया। शायद गगन कल गाड़ी ले आएंगे और कल गगन गाड़ी लेके आएंगे तो मैं आपको शो करूंगी। और कल गगन रात को जा रहे हैं भोपाल, और भोपाल मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि उनके दोस्त की शादी है और जल्दबाजी में उसे बुलाया और ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था। तो गगन जा रहे हैं भोपाल और मैं यहाँ पर बैठी हूँ अभी। और आज मैंने दोपहर को जो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो अभी तक पड़ी है क्योंकि गगन ने खाया रात को बनाया हुआ पनीर, दोपहर की सब्ज़ी खाई नहीं। और मैंने भी नहीं खाई क्योंकि मैं गई थी मतलब रिपुन के पास में और उसने मुझे वहाँ पर पाव भाजी खिला दी। और मैंने जो केक और जो मतलब क्रीम वाला जो बनाया था वो मैंने रिपुन को भी दिया, और इनके जो दोस्त रहते हैं हमारे फ्लैट के जस्ट ऊपर रहते हैं उसको भी दिया। और अब दोनों को बहुत टेस्टी लगा और बहुत अच्छा भी था मेरे को। मतलब जनरली मैंने पहले भी ये बनाया हुआ है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, यमी लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कुछ नहीं था, चॉकलेट केक नॉर्मल होता है ना, उसके ऊपर विप क्रीम होती है, फ्रूट विप क्रीम होती है, वो मैंने उसके ऊपर लगाई थी। और दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम ज़बरदस्त लग रहा था। अभी अगली बार जो मैं ट्राई करने वाली हूँ ना, वो मैं करूँगी जो वो होती है ना, जिसको हम कहते हैं क्या, टूटी फ्रूटी वाला केक बनाने वाली हूँ। देखती हूँ टूटी फ्रूटी का केक जो है वो अच्छा बनेगा तो बताऊँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। मतलब अभी नहीं बना रही हूँ, थोड़े दिनों में, एक दो दिन में बना लूँगी टूटी फ्रूटी केक। मुझे बहुत अच्छा लगता है टूटी फ्रूटी केक, सबको ही अच्छा लगता होगा, बच्चों को खासकर। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी अभी यही कि आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि आज का दिन हो गया है ख़त्म और कुछ भी नया करने को नहीं है। हम लोग आज पता है शाम को साइकिलिंग करने के लिए गए थे, मैं अपना कैमरा नहीं लेके गई थी आज, और साइकिलिंग करके आए मैं और रिपुन खंदारी तक, यहाँ से दयालबाग से खंदारी तक हमने पूरी साइकिलिंग की। और मेरे जो पैर हैं ना भाई साहब, बहुत दर्द हो रहे हैं क्योंकि इतने दिनों बाद अगर आप लोग एक चीज़ को स्टार्ट करते हो ना तो दर्द तो होता ही है भाई साहब, बहुत बेहिसाब वाला दर्द होता है। पर मज़े भी आए और हम लोग सोच रहे हैं कि रोज़ सुबह 7 बजे उठकर हम साइकिलिंग करने जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सुबह 7 बजे कभी उठ पाऊँगी क्योंकि रात को इतना लेट हो जाता है काम करते करते कि सुबह तो जल्दी उठ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले जब गगन जॉब जाते थे ना तब बहुत आसान था ये सब, मतलब सुबह जल्दी उठना, क्योंकि ऐसा था कि वो भी टाइम से सो जाते थे, सब काम हो जाता था। तब गगन फ्रीलैंसिंग नहीं करते थे, उनके पास सिर्फ जॉब ही थी, अभी कोई जॉब नहीं है तो आराम से सुबह हम उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गगन भी लेट उठते हैं, मैं भी लेट उठती हूँ तो चल जाता है हमारा। और आप लोगों को फिर से एक बार मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आज ब्लैक डे भी है क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो याद है। और मतलब ऐसा है ना कि
खुशी के दिन पे खुश भी हैं और मतलब दुख के दिन पे दुखी भी हैं उन पुलवामा के अटैक के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी लगता है कि पुलवामा में अटैक हुआ था और बहुत सारे हमारे जो मतलब सोल्जर्स हैं वो सब वहाँ पर शहीद हुए थे, और उनकी फैमिलीज़ को आज का दिन जब याद मतलब आएगा तो वो लोग मतलब उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता है ना। और क्या ही बोलूँ, उनको मेरी तरफ से शत शत नमन है। तो चलिए आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।